नमस्कार, मैं ज्योति आज आप लोगों के लिए लाई हूं कुछ खास। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं रावण की इन 10 खूबियों को जिन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे आप। रावण का चरित्र एक विलेन के रूप में जाना जाता है। विद्वान कहने के साथ ही उसे त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी भी कहा जाता है। आमतौर पर जब भी रावण का जिक्र आता है तो हमारे मन में उसकी नकारात्मक छवि ही उभरती है और हम केवल उसके अवगुण ही देखते हैं। लेकिन वह जिस युग का प्राणी था उस समय उसमें कई खूबियां विद्यमान थीं। आइए आज रावण की दिलचस्प 10 खूबियों पर डालते हैं नजर। नंबर 1, पर्वत में दबा था हाथ और रच दिया शिव तांडव स्त्रोत। शिव तांडव स्त्रोत की रचना के बारे में कहा जाता है कि एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में इतना मतवाला हो गया कि शिवजी के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उस समय शिवजी ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया और रावण उसे अधिक समय तक उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्रोत रच दिया। इससे शिवजी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। नंबर 2, शिवजी ने रावण से बनवाई थी पार्वती माता के लिए लंका। रावण वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कहते हैं कि माता पार्वती के लिए महल के निर्माण का कार्य भगवान शंकर ने रावण को ही सौंपा था। तब रावण ने सोने की लंका का निर्माण किया। भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी रावण को ही पुरोहित बनाया। जब पूजन समाप्ति के बाद दक्षिणा देने का नंबर आया तो रावण ने वही सोने की लंका भगवान से दक्षिणा में मांग ली। नंबर 3, तप के बल पर ग्रहों को बना लिया था अपना दास। रावण महातपस्वी था। अपने तप के बल पर ही उसने सभी देवों और ग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता और विद्वता का वरदान दिया था। बजरंग बली श्री हनुमान जी ने शनिदेव को सीता माता की खोज के दौरान रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब से ही यह मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति करने वालों पर शनिदेव का प्रकोप नहीं रहता है। नंबर 4, जब राम जी के निमंत्रण पर पूजा के लिए पहुंचा रावण। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सेतु निर्माण के समय रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई, तो उसके पूजन के लिए किसी विद्वान पुरोहित की खोज शुरू हुई। उस वक्त सबसे योग्य विद्वान रावण ही था, इसलिए उससे शिवलिंग पूजन का आग्रह किया गया और शिव भक्त रावण ने तब अपने शत्रुओं के आमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया था। नंबर 5, कवि और आयुर्वेद का जानकार था रावण। वेदों की ऋचाओं पर अनुसंधान कर रावण ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। रावण आयुर्वेद की जानकारी भी रखता था। वह एक महान कवि भी था। उसका ये कौशल शिव तांडव स्तोत्र में नजर आता है। जब पीड़ा की अवस्था में भी वह अपनी इस कला के बल पर शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। रावण को रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का भी ज्ञाता कहा जाता है। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। नंबर 6, ऐसे हुआ था रावण हत्था का निर्माण। रावण संगीत प्रेमी था और वह वीणा बजाने में निपुण था। उसने एक वाद्य भी बनाया था जिसे बेला कहा जाता था। इस यंत्र को वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। इस वाद्य को रावण हत्था भी कहते हैं। नंबर 7, लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी भी कार्य को हाथ में लेता तो उसे पूरी निष्पक्षता और कर्तव्य भाव से पूर्ण करता था। यह उसकी खूबी थी। अपनी सच्ची लग्नशीलता के कारण दिव्य अस्त्र शास्त्र मंत्र तंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर रावण विश्व विख्यात बना।
नंबर 8, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था रावण से सीख लेने के लिए। रावण निर्भीक, निडर और साहसी था। हालांकि प्रभु श्री राम से युद्ध को उसकी मूर्खता और अधर्म ही कहा जाता है, परंतु जब रावण मृत्युशैया पर था तब स्वयं राम ने रावण की बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए कहा और तब रावण ने लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। नंबर 9, कोई नहीं हुआ रावण जैसा प्रखर बुद्धि। रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है, जिसके बल पर वह जो चाहे हासिल कर सकता है। जब एक सिर वाला इंसान इतना बुद्धिमान हो सकता है तो फिर रावण के तो 10 सिर यानी 10 मस्तिष्क थे। आप सोच सकते हैं वह कितना बुद्धिमान होगा। नंबर 10, हनुमान भी हुए थे रावण से प्रभावित। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में रावण का जिक्र करते समय वर्णन करते हैं कि जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे, तो वह भी रावण की खूबियों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। रामायण में कहा गया है कि लंका और रावण को देखकर हनुमान जी ने कहा था, रावण रूप रंग सौंदर्य धैर्य कांति तथा सर्वलक्षणों से युक्त वीर पुरुष है। यदि रावण में अधर्म अधिक बलवान न होता तो वह देवलोक का भी स्वामी बन सकता था।